चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। कांगड़ा दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, तो आपको बता दें डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए हैं। प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए का इंतजार है, गारंटियों से भाग रही हिमाचल सरकार। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार पर राजीव बिंदल की ओर से निशाना साधा गया है। समाज के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। कांगड़ा दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। उन्नीस के बाद परिवर्तन आना चाहिए था, देशभक्ति का जज्बा उस समय था, वो ना होने के कारण, परिवर्तन ना होने के कारण हम एक धर्रे पर चल पड़े। आप बहुत पुराना नहीं जाएंगे, 2014 से पहले, 2004 से लेके 14 तक आदरणीय सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में श्रीमती सोनिया गांधी जी की सरकार चल रही थी। और आप मीडिया के लोग साक्षी हैं, 10 साल के अंदर हम कहां पहुंचे। बहुत बड़े अर्थ विशेषज्ञ होने के बावजूद हम दुनिया में आर्थिक दृष्टि से बहुत पीछे दिखाई देते थे। स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पब्लिक को मिलते हैं, 85 पैसे बीच में रह जाते।